नरसिंहपुर में पुलिस के द्वारा किए गए गैंगस्टर विजय यादव और उसके गुर्गे समीर खान के एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं। परिजनों समेत उनके समर्थक जहां इसे पुलिस की फर्जी एनकाउंटर बताकर पुलिस अधिकारियों को हत्या का आरोपी बता रहे हैं, तो वहीं पूरे मामले में ASP राजेश तिवारी की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि विजय यादव और रतन यादव को पुलिस ने ही अपराधी बनाया है, जबकि कोर्ट में दोनों के अपराध सिद्ध नहीं हो पाए। रतन यादव की पत्नी समेत परिवार के सदस्य व बड़ी संख्या में गैंगस्टर विजय यादव के समर्थक एनकाउंटर के विरोध में जबलपुर SP कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। गैंगस्टर विजय यादव की भाभी और रतन यादव की पत्नी ने मीडिया के सामने खुलकर बात रखी। उनका कहना था कि ASP राजेश तिवारी शुरू से ही उनके परिवार के पीछे पड़ा है। जब वे जबलपुर में थे तो सारे मामले उनके पास ही आते थे कि गैंगस्टर विजय यादव रतन यादव अपराधी हैं। कई मामले भी बना दिए गए, किंतु कोर्ट में मामले सिद्ध नहीं हो पाए। जब गैंगस्टर विजय यादव का एनकाउंटर किया गया तब वह खाना खा रहा था, तो वह गोली कैसे चला सकता है? ये सब राजेश तिवारी का कारनामा है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एनकाउंटर नहीं सोची समझी साजिश है, पुलिस के द्वारा हत्या की गई है। वहीं गैंगस्टर विजय यादव की भाभी ने आगे और भी कई बड़े खुलासे करने की बात कही। मुझे इस केस की निष्पक्ष जांच चाहिए, CBI जांच, ऐसी वैसी मजिस्ट्रेट जांच या किसी कोई जांच नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करती। ये सब प्रशासन का अपना खुद का रचाया हुआ है, इसमें वो हमारे खिलाफ ही करेगी। CBI जांच निष्पक्ष होगी, हम उसमें जो भी आएगा हम उसके लिए संतुष्ट होंगे। किन तथ्यों के आधार पे आप बोल रही हैं? किन तथ्यों पे? मैंने आपको भी बताया ना कि जब मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो बना कर ग्राफी कर सकते हैं, तो आप एक एनकाउंटर की क्यों नहीं कर सकते? आप बोल रहे हो कि हमारे पास कैमरा उपलब्ध नहीं था, या वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, या IT सेल में कोई भी नहीं था। आप सबके पास मोबाइल है ना, आप लोग मोबाइल से कर रहे हो ना वीडियोग्राफी, तो विजय की क्यों नहीं हुई वीडियोग्राफी? हो तो सामने पेश कर जाए। उसके अलावा भी कुछ तथ्य और भी तथ्य हैं जो मैं अभी ओपन करूंगी, लेकिन अभी नहीं करना चाहती। हम लोग को वो फोटेज चाहिए जहाँ ये घटना हुई है। हुआ क्या असलियत? और हाँ, असलियत में हुआ क्या घटना चाहिए भाई? एनकाउंटर ये तो फर्जी है, ये तो साफ खुला मर्डर है, ये हत्या है, ये हत्या है। एक बात बताइए, अगर देखें विजय यादव जो जबलपुर में जबलपुर का इनामी बदमाश था, उसका भी गत दिनों नरसिंहपुर में एनकाउंटर हुआ था। उसी एनकाउंटर की जांच को लेकर के रतन यादव जो विजय यादव का बड़ा भाई था, उसकी पत्नी पूर्ति यादव, रतन यादव भी जेल में है, नरसिंहपुर जेल में है, उसकी पत्नी अपने कुछ परिवारजनों के साथ में आकर के यहाँ पे IG साहब को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके द्वारा एनकाउंटर की जाँच को लेकर के लेख किया है। आवेदन मैंने लिया है प्रतिनिधि के तौर पर, और ये आवेदन IG साहब के पास में अग्रिम